इज इक्वल टू 90, कॉस 90 होता है जीरो, तो डाल दो इसमें जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर जीरो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी। देखो बच्चों कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए पोलार पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होगी। लंबा चौड़ा चैप्टर बच्चों, मुझे पता है आज थोड़ा आपको एक घंटे से भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखने वाले अभी सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट मतलब होता है अ हेवी बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ सैटेलाइट। सैटेलाइट मतलब कि एक हेवी बॉडी है वो रिवॉल्व करती अर्थ को। इसके दो टाइप्स है बच्चों, एक है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट और एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है ओनली क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैनमेड सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसके एग्जाम्पल आर्यभट्ट रोहिणी दे सकते हो। इसके यूजेस है बच्चा हमारे पास, वो यूजेस है हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पज है, एस्ट्रोनॉमिकल है, स्टडी ऑफ एटमोस्फियर के लिए है और मिलिट्री पर्पज, ये इसके यूजेस है। कौन कौन से, कम्युनिकेशन, एस्ट्रोनॉमिकल जो फिजिक्स होता है, उसके बाद में मिलिट्री पर्पज है एंड स्टडी ऑफ एटमोस्फियर इसके होते हैं। बच्चों इसको लॉन्च करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, ये अर्थ सरफेस पे उसको वर्टिकल वेलोसिटी दे दो, पहले फायर करो, वर्टिकल वेलोसिटी दो, सर्टेन हाइट तक लेके जाना है, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेज रॉकेट। बाद में बच्चों इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होना चाहिए। ये होगा हमारा टू स्टेज रॉकेट। और बाद में इसको अगर ये जाएगा लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को खींच के लाए के ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करता है। बच्चों इसी कहानी से सर्कुलर मोशन से हम लोग अभी क्रिटिकल वेलोसिटी देखने वाले, कौन सी, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती, मतलब बच्चों अब देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल, क्रिटिकल मतलब कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बच्चों क्रिटिकल वेलोसिटी को लिखते हैं वीसी से। कोई बच्चों देखो अर्थ सरफेस है, एक बंदा है समझो, मैंने वो एग्जांपल दिया है, देखो कोई सैटेलाइट है, सैटेलाइट को छोड़ दो बच्चों, उसको ये वेलोसिटी दो, तो ये चीज ऐसी सीधी जाती नहीं है। क्यों नहीं जाएगी बच्चों, ग्रेविटेशन फोर्स बोलेगा मैं हूं ना, इसलिए उसको खींच लेगी ऐसी, मैं हूं ना इधर जाने की कोशिश करेगा तब खींच लेगी, मैं हूं ना इधर जाने की, तब बोलेगी मैं बता या जा, मैं हूं ना ऐसे करके वापस वही जगह पे आते। बच्चों ऐसे चीज के लिए हम जो गोल घूमने वाली चीज है किसके कारण, ग्रेविटेशनल कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यहां पे, अच्छा, और ये हमारी अर्थ है और ये सैटेलाइट ऐसे गोल गोल घूम रहा है। सर ये आर है, ये एच है, इस चीज को हम स्मॉल आर बोल सकते हैं, ये मास ऑफ द अर्थ है, मास ऑफ द सैटेलाइट है। बच्चों यहां पे किसने फोर्स प्रोवाइड किया है, ग्रेविटेशनल, क्या फोर्स है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच स्क्वायर। और दूसरा बच्चों जो गोल घूमता है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, ये क्रिटिकल वेलोसिटी, इसलिए वी सी। ये कौन फोर्स तैयार कर रहा है, ग्रेविटेशनल के कारण तैयार हो रहा है बच्चों, ये खुद कोई फोर्स नहीं होता सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल के कारण। स्ट्रिंग घुमाओ तो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन देता है, मतलब टेंशन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों फोर्स से इक्वल कर सकते हैं, एम स्क्वायर डिवाइड बाय आर, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, स्मॉल एम से स्मॉल एम मर गया बच्चों। इस चीज को हम स्मॉल एम आर बोले, कोई दिक्कत नहीं सर, बोल दो अपना ही घर का है, एक आर से एक आर मर गया, तो वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाय आर, तो वी सी इज इक्वल टू द रूट ऑफ जी एम अपॉन स्मॉल आर, ये क्रिटिकल वेलोसिटी। बच्चों ये क्रिटिकल वेलोसिटी ऐसे भी रखते लोग, जी एम स्मॉल आर मतलब ही आर प्लस एच, स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच। इसमें अलग अलग सवाल बनते रहते, जैसे कि आर प्लस एच अप्रोक्सिमेटली अगर आप लोग आर लोगे तो वी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं, सही सवाल यहीं तक है, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड अपन पूछ सकते हैं, तो मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जो भी है ना। तो हमने एक फार्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वायर देखा था, तो जी एम की वैल्यू बच्चों हम लोग जी आर स्क्वायर डाल सकते हैं। चलो जी एम की वैल्यू डाल दो, डालो 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 डालो, चलो 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 चलो, जी आर स्क्वायर बाय आर, अरे जी एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर है, आर से आर को मरवा दो, तो वी सी इज इक्वल टू बच्चों जी इंटू आर, समझ में आ रहा गई।
बच्चों इसी के कारण हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी को 8 किलोमीटर पर सेकंड से अगर कोई चीज को फेंको यार से और से फेंको ऐसे से या जूम जूम एक सेकंड में 8 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया है, तो बच्चों वो चीज ने क्या अर्थ को ऐसे राउंड मारते रहेगी जूम 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 है कि नहीं। ओके उसके अलावा बच्चों ये इस फार्मूले से हम लोग मास की ज्यादा लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ρ। चलो वैल्यू डालेंगे, चलो 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 जी बाय आर 4/3 πr³ρ। एक आर मर गया, दो बाकी है तो वी सी ट्वाइस आर, देखो ये 2r बचा गया बच्चों, ये गया ये भी गया तो पाए है ना रो जी बाय थ्री ना, ये भी डेंसिटी के थ्रू ऐसे भी वेलोसिटी निकालते रहते हैं। इसके थ्रू बच्चों हम लोग निकालेंगे अभी पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, मतलब ये गोल्ड रिवॉल्यूशन कर रहा है सही बात है, लेकिन उसको कितना समय लगता है ये बताना है। ओ चलो तो बच्चों हमारा जो पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी बोलते कुछ लोग बोलने दो, द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब ये अर्थ है अर्थ को गोल एक राउंड मारने के लिए लगने वाला समय को, लगने वाले समय को हम बोलते हैं पीरियड। चलो तो हमने पीरियड बोला है तो इसका मतलब स्पीड होगी, इसको सैटेलाइट स्पीड से तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको वीसी बोलेंगे, गोल घूमने वाली वेलोसिटी को, क्रिटिकल वेलोसिटी द मिनिमम अमाउंट, मतलब मिनिमम जो वेलोसिटी होती है, क्या डिफाइन बनाएंगे बच्चों इसके हम लोग, डिफाइन बनाना है तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट पुट इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट, क्रिटिकल वेलोसिटी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट है ना पुट इनटू द सर्कुलर ऑर्बिट, इसको एज द क्रिटिकल वेलोसिटी। डिस्टेंस बच्चों सर्कुलर मोशन में घूमना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ट्वाइस पाई आर, ये टी होता है, मुझे टी निकालना है ट्वाइस पाई आर डिवाइड बाय वीसी। क्या बच्चों वीसी की वैल्यू याद है, याद नहीं है तो कुछ काम के नहीं फिर आप है ना, वीसी की वैल्यू याद रखना है, फार्मूले याद रखो, दुआओं में याद रखना। चलो सर टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई आर, डिवाइड का डिवाइड हो गया ऊपर नीचे तो स्मॉल आर डिवाइड बाय जी एम, तो टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, बच्चों ये आर गया तो अंदर होगा स्क्वेयर, ये एज इट इज रखना है, अंदर गया तो स्क्वेयर होता पता होना चाहिए ट्वाइस पाई, ये हो गया बच्चों आर क्यूब, ये दो एक तीन, वाह ये पीरियड का फार्मूला मिला बच्चों मुझे, पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ओह कुछ लोग ऐसे लिखते हैं तो लिखने दो बच्चों कोई टेंशन नहीं है, r प्लस h क्यूब डिवाइड बाय gm, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू r प्लस h भी होती है। ओह ऐसी बात है सर। चलो कुछ लोग शो दैट, एक सवाल होता है शो दैट t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब, सर t भी है r क्यूब भी है, चलो इसको करेंगे t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड r क्यूब डिवाइड बाय gm, बच्चों इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, ये कांस्टेंट है कि नहीं, पाई की वैल्यू 9.86 पाई स्क्वायर की, जी की वैल्यू एम की सबकी, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, बच्चों इसी से केपलर्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कई बाबा रे, समझ में आए कई रे बाबा। तो इसको हम लोग थोड़ा एक काम करने वाले हैं, रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी एम, समझ में आ रहा है, अभी तो लिया मैंने आर प्लस एच अप्रोक्सिमेटली आर, क्योंकि एच कम हाइट पे रहा तो, बहुत कम हाइट पे रहा तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, यही करेंगे ना हम, एच को गायब कर देंगे। चलो सर एक काम करो सर, ये वैल्यू पता है आपको, हाँ पता है पता है, तो जी एम जी आर स्क्वायर, चलो डाल दो टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय जी आर स्क्वायर, ये से मर गया तो यहां पे तीन है ना, तो एक बाकी है तो आर बाय जी भी बनता है, इसी के पीरियड के हिसाब से मेरे ख्याल से 1.41 आर पीरियड लगेगा, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के बहुत नजदीक हो तो ये 1.41 आर में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट, मेरे ख्याल से मिनट में 84.6 मिनट और 5077 सेकंड में निकालोगे तो ये मिलेगा। सर 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 और एक और एक और एक, क्या कुछ नहीं सर जी, यम की वैल्यू पुट अप करो बोला, इसके पहले जो की थी क्या थी, एम की वैल्यू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
वॉल्यूम क्या है सर? 4/3 पाई आर क्यूब रो। चलो तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, आर क्यूब मर गया, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई रूट, ये ऊपर गया 3 बेचारा, यहां का 2 बाहर, करेक्ट है ना बच्चों? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, समझो गए बाबा? बचा है बच्चों पाई, है ना, ये 4 बाहर है, 3 ऊपर गया है, पाई जी रो, ऐसे कुछ तो मर जाएगा। तो टी इज इक्वल टू पाई, अगर अंदर गया तो होगा स्क्वायर, तो पाई रो जी, तो ये मर गया, तो टी इज इक्वल टू आई थिंक पाई रूट ऑफ रो जी, ऐसे कुछ तो वैल्यू मिलेगी, मिल रही है? नहीं, 3 पाई, ये 3 है ना, 3 पाई, मतलब इसकी वैल्यू सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, रूट ऑफ 3 पाई रो जी, ये वैल्यू मिलना चाहिए डेंसिटी की। तो तुझे पता है बच्चों फास्ट हो रहा है, करे क्या, मजबूरी है। चलो ओके, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम लोग। देखो बच्चों, आपको अगर पढ़ के आते हो ना तो ये पूरा चैप्टर इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा होगा कि आप यकीन नहीं मानोगे। दो दो तीन तीन बार देख लेना बच्चों अच्छी तरह से। उसके बाद में केप्लर जी आ गए। केप्लर जी आने के बाद बच्चों हम लोगों को कुछ लॉज दे के गए, है ना, कौन सा? पहला उन्होंने बताया कि हर कोई प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, बताया था, बराबर है, नंबर 1 है ना, सन इज द मेन ऑफ द फोका, जो सन होगा वो मेन फोका होगा। नेक्स्ट दूसरा, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सर इतना छोटा, हाँ, रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन ऑफ द प्लैनेट सिट आउट इक्वल एरिया, देखो ये रेडियस है और ये है, ठीक है, किसी को लगता है कि सर ये छोटा बड़ा है क्या? नहीं, ये इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही करता है। ये सन है, ये P1, ये P2, ये P3, ये P4, ठीक है, ये जो एरिया होगा बच्चों कौन सा, P1 यस P2 इज इक्वल टू बच्चों है ना P3 यस P4, ये भी एरिया इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, मतलब अगर यहां से यहां जाने के लिए अगर 10 मिनट में जा रहा हूं मैं और यहां पे भी 10 मिनट चल रहा हूं, तो लोगों को लग रहा है एक कम है ज्यादा नहीं, दोनों भी सेम होगा, इक्वल एरिया इक्वल इंटरप्ट है। और थर्ड तो हमने पढ़ा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, अभी पीरियड में स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है बच्चों और ये माइनर एक्सिस, देखो ये मेजर बड़ा एक्सिस है, ये छोटा एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। उसके अलावा बच्चों हम लोगों को कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेप्टिकल ऑर्बिट में, वो भी दूसरी बात। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है बच्चों ये अर्थ रोटेशन के साथ मूव होता है, मतलब जैसे अर्थ मूव हो रही है वैसे वो भी होता है, जैसे कि देखो ये अर्थ है बच्चों, अर्थ पे मैं खड़ा हुआ रेड पेन और ये कोई सैटेलाइट है, देखो मैं जैसे घूम रहा हूं वैसे वो भी घूम रहा है, देखो 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 वो जैसे मूव हो रहा है वैसे मूव होता है, मतलब रेस्ट लगता है ऐसे, उसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है बच्चों, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, अर्थ के वेलोसिटी से उस सैटेलाइट की वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब अर्थ की वेलोसिटी उसकी सेम, जैसे दो गड्डियां है दोनों शॉर्ट की स्पीड में सिंपल चल रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है, पता है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम है ना, तो लगता है फीलिंग ही नहीं होता, जैसे कि अर्थ पे हम दोनों भी खड़े, आप मुझे देख रहे मैं आपको देख रहा हूं, तो अपन जो है देख रहे कहां सर, ऑनलाइन देख रहे, हाँ ठीक है पता, तो दोनों भी रेस्ट पे क्योंकि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है बच्चों, हमारी वेलोसिटी कुछ ना कुछ अर्थ की वेलोसिटी मतलब हमारी है, ओके। उसके बाद में बच्चों इसके यूजेस क्या होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन है, मिलिट्री पर्पज है, वेदर एंड फोरकास्टिंग है, एस्ट्रोनॉमिकल है, सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन है, बहुत सारे यूजेस आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखना है बच्चों हम लोगों को, थोड़ा खत्म होते आ रहा है, 10 मिनट में हो जाएगा। चलो उसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इमेजिनरी रीजन है राउंड, जो अराउंड हमारे आसपास है जो इमेजिनरी रीजन है ये, है ना, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन एक्सपीरियंस बाय बॉडी, किसी एक्सपीरियंस बॉडी पे फोर्स जब लगता है, ये इमेजिनरी फोर्स है, दिखता तो नहीं लेकिन होता है ना, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वर्क बाय मास, है ना,
हम लोग बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, दैट प्लस द ग्रेविटेशन फील्ड. मतलब कोई चीज को, मास को कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से हमारे अर्थ पे, ठीक है. इस चीज को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं. मतलब अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट, है ना, मास ब्रिंगिंग कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से, तब हम इसको पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. बच्चों हमारे पास यहां पे निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. पोटेंशियल होता है बच्चों वर्क अपॉन मास. अब वर्क क्या होता है, ये माइनस में आता है क्योंकि दूर से लेकर फोर्स इनटू डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए आर इस्तेमाल करें, डिवाइड बाय एम. क्या फोर्स का फॉर्मूला पता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों. ये एफ की वैल्यू है और ये आर बाय एम. देखो एक आर, आर मर गया, एम एम मर गया, तो बच्चों पोटेंशियल का माइनस जी एम बाय आर, ये हमारे पास फार्मूला मिलता है. अरे पता है ना ग्रेविटेशन निगेटिव फोर्स के लिए, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण. कोई शक है बच्चों, ओके बनना है. उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले बंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और खत्म होते आ रहा है, बस एक एस्केप वेलोसिटी लेके खत्म कर दूंगा बच्चों. दिखाई तो दे रहा है आपको, कोई टेंशन तो नहीं है, ओके ठीक है. तो हम लोग आगे बढ़ रहे बच्चों. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मतलब बाइंड करूं करके रखना. क्या करके रखना है, बाइंड करके. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट डिफाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू द सैटेलाइट इन ऑर्डर टू फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड. अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड से फ्री करना है उस चीज को, ओके. चलो तो बात आगे बढ़ रही. हमारे पास देखो सैटेलाइट है, यहां यह अर्थ है कैपिटल मास, ये सैटेलाइट है हमारा, ओके सर ये मास है, चलो स्मॉल एम है, हाँ ये मत बोलना. चलो सर निकालो. तो सबसे पहले बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी, तो आप लोग बोल सकते हो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी बोलू, ठीक है. क्यों, क्योंकि बच्चों रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी जीरो है. पोटेंशियल एनर्जी होती बच्चों पोटेंशियल इंटू मास ऑफ सैटेलाइट, ध्यान में रखना बच्चों फार्मूला ध्यान में रखना. तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल है मेरे पास माइनस जी एम बाय आर, अभी निकाला है, और मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल एम. तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, है ना. यह हम लोगों को पता ऑन द अर्थ सर्फेस पे है, इसलिए डिस्टेंस पता है फिक्स है, ये निकाल सकते हैं. चलो टोटल एनर्जी निकालो. टोटल एनर्जी बच्चों हमारे पास होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो आपको पता है कि पोटेंशियल कुछ नहीं, पोटेंशियल है हमारे पास माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन. क्यों बच्चों, क्योंकि हम लोग अपोज में काम कर रहे हैं, बाउंड करके. कोई चीज फेंक दी तो उधर ही जाना चाहिए, हम तो बांध के रख रहे हैं ना उसको. तो बाइंडिंग एनर्जी होती है माइनस, ये माइनस टोटल एनर्जी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर. ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर. ये बाइंडिंग एनर्जी, ये कहां है, अंदर सरफेस पे. बच्चों यही सवाल होता है, ये स्टेशनरी है, यहां पे ऊपर जाके भी स्टेशनरी हुआ तो, मतलब ऊपर लेके गए लेकिन वो रेस्ट पे. बच्चों यही फार्मूला है बस, प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच, खत्म. किस्सा कुछ ही नहीं बच्चों इसमें, समझ में आ रहा है क्या. दो क्वेश्चन बना दिए मैंने उसको. अब हो रहा है बच्चों रिवॉल्व. ओ रिवॉल्व हो रहा है मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी. अच्छा तो चलो बच्चों अभी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. क्वेश्चन नंबर इसके लिए थर्ड है हमारे पास. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन कौन सी सी, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल गोल घूमने वाली चीज है. तो यहां पे वी सी है बच्चों मेरे पास जी एम बाय आर प्लस एच. पता है बच्चों, पता है काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, इसका स्क्वायर मतलब रूट के बाहर है जी, है ना. ये स्मॉल एम बच्चों, स्मॉल एम ध्यान में रखना है, कैपिटल एम R प्लस एच. तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी मिली है मुझे G कैपिटल M स्मॉल M डिवाइड बाय 2 R प्लस एच, ये मिली है मुझे काइनेटिक एनर्जी. और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम लोगों को पता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, है ना. तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं, पहले ही निकाला है मैंने माइनस जी कैपिटल एम, है ना, देख लेना. जिनको पता नहीं उनको देख लेना बच्चों, ये निकालिए. चलो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बच्चों काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक है मेरे पास दिखाओ जी
कैपिटल एम स्मॉल एम टू आर प्लस एच और ये माइनस क्यू, पता है ना जी, कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एम। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग कॉमन इंसल जी एम एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, बचा है बच्चों मेरे पास 1/2 ये, और यहां पे कुछ नहीं मतलब वन है। वह क्या करना है सर, माइनस क्यों, हाफ में से वन जाता है कि नहीं, वन में से हाफ लेकिन ग्रेटर नंबर साइन, माइनस हाफ, समझ में आ गया। ये हमारे पास जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर प्लस एच टोटल एनर्जी। बच्चों टोटल एनर्जी कैसी होती है बाइंडिंग एनर्जी की, माइनस तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बाइंडिंग एनर्जी है जी कैपिटल एम स्मॉल एम टू आर प्लस एच, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई टेंशन, ये बाइंडिंग एनर्जी आप सैटेलाइट है। लास्ट एंड फास्ट एस्केप वेलोसिटी लेके खत्म करेंगे बच्चों हम लोग, कुछ नहीं है अभी, देखो एस्केप वेलोसिटी निकालना है हम लोगों को। मुझे पता है ये चैप्टर को थोड़ा लेंथी बना दिया मैंने, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए थे, एमसीक्यूज के ऊपर मुझे सवाल आ रहे हैं ना, तो एमसीक्यूज के तरफ मैं थोड़ा ध्यान दे रहा था, आज 2-3 एमसीक्यूज के क्वेश्चन बता दिए मैंने। चलो तो एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या होती है, मिनिमम वेलोसिटी विच द बॉडी शुड बी प्रोजेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस दैट एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशन स्पीड। ओके तो बच्चों देखो यहां पे ये ऑन द सरफेस पे कोई चीज, ये रेडियस है बच्चों, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास ऑफ द सैटेलाइट है। चलो तो अपने बाइंडिंग एनर्जी तो पता है बच्चों आपको क्या होती है ऑन द सरफेस पे, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको देने के बाद एम वी स्क्वायर ई। चलो एनर्जी दोनों कंपेयर करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ई जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, एम से एम को मार दो तो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू टॉइस जी एम बाय आर, तो वी ई इज इक्वल टू टॉइस जी एम बाय आर, ये एस्केप वेलोसिटी मिली। समझ में आ रहा है बच्चों, क्या आपको पता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये सही फार्मूला है, यह हम लोग फार्मूले बना रहे बच्चों आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। चलो वैल्यू डालो जी ई इज इक्वल टू बच्चो टू जी आर स्क्वायर बाय आर, आर से आर को मरवा दो तो वी ई इज इक्वल टू बच्चों यहां पे टू जी आर मिल रहा है, शॉर्टकट फार्मूला, और इसी से एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड बोलते हैं। मतलब बच्चों कोई चीज आर सरफेस से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से अगर ऐसे फेंकोगे ऐसे जूम, तो बच्चों वो नहीं क्या आर छोड़ के चली जाएगी, हम जुदा हो जाएंगे, कर देंगे जुदा। समझ में आ रहा है बच्चों, ओके। और ये भी होता है वी ई इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन रूट ऑफ टू रूट ऑफ जी आर, ये वैल्यू किसकी है, किसकी है बच्चों, ये तो वी सी की वैल्यू, ऐसे भी रिलेशन दिखा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको पता है मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब रो, अगर 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 मगर ये वैल्यू डालोगे वी ई इज इक्वल टू देख लेना ये 2g बाय आर, एम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो, वी ई इज इक्वल टू आर से एक आर मर गया तो कॉमन बाहर निकाल सकते 2r क्योंकि आर स्क्वायर बाकी था, और मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने इस चीज को बाहर निकाला, इस चीज को बाहर निकाला, बचा क्या है 2g पाई रो बाय 3 ना, यही वैल्यू बाकी है मेरे ख्याल से, ओके समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा ये चैप्टर कवर। इसके अलावा किसी को कोई सवाल है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं बच्चों, मेरा न्यू चैनल है उस पर जाके भी आपको एलन फैन बाय मुकेश नायक इस पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जामिनेशन।